मेरा नाम महमूद जाबरी है और मैं संतोष नगर का रहने वाला हूँ। मुझे ये शिकायत थी कि सांस जो है फूलना होता था मेरे को, यानी ज़रा सा बेंड हो गया या कुछ फिजिकल वर्क करे तो सांस बहुत चढ़ता था। तो हम इससे पहले कुछ घर के पास के डॉक्टरों को बताए तो वो लोग अस्थमा है बोले और अस्थमा का इलाज करे, तो थोड़े दिन के लिए वो कुछ कम हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर से बताए तो उन्हें भी बोला, एडवाइस करा कि एक कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम जो है जब अंडरस्टैंड करके सीधा किम्स को आए, किम्स को आने के बाद में इमरजेंसी में गए। जब हमारे को दम चढ़ रहा था, बहुत तबीयत ख़राब थी, तो इमरजेंसी में हमको चेक किया गया, चेक करके फौरी डॉक्टर को रेफ़र करें। तो डॉक्टर रवि कुमार साहब, रवि कुमार साहब जो है रविकांत साहब, MD DM है, स्पेशलिस्ट सर्जन, तो उनसे हम मिले। तो वो जो है तमाम तफसील देख के एंजियोग्राफी का एडवाइस करें। एंजियोग्राफी करने के बाद पता चला कि हमारे दो ब्लॉक है, दो वाल्व्स, और दूसरे भी वाल्व्स में थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेड है। तो मगर दो वाल्व जो है ज़रा ज़्यादा, बिल्कुल 90% के ऊपर ब्लॉक है। तो फिर हमारे से काउंसलिंग करने के बाद फैमिली से ये डिसाइड हुआ कि हम इसको एंजियोप्लास्टी करेंगे। तो एंजियोप्लास्टी के लिए प्रिपरेशन हुआ, ऐसा पीसफुल और जो है पेनलेस प्रोसेस था ये कि मैं बिल्कुल हैरान था। फिर बाद में कुछ खौफ हुआ कि एंजियोप्लास्टी में कुछ गड़बड़ होती क्या, कुछ तकलीफ़ होती क्या। तो उसके बारे में भी मेरे को तजुर्बा हुआ कि कोई तकलीफ नहीं हुई और काफ़ी कम वक्त में जो है एंजियोप्लास्टी काफ़ी सक्सेसफुल रही। और मैं एक दिन रेस्ट के बाद दूसरे दिन, अब आज दूसरा दिन है और मैं इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाऊंगा शाम तक। और गारंटीड ट्रीटमेंट है, बहुत काइंड हार्टेड डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी गुड है, और इसका ये दवाखाने की कोई मिसाल हैदराबाद में शायद न मिले, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये किम हॉस्पिटल बहुत अच्छा हमको फील हुआ, हमारे साथ अटेंडेंट्स थे उनको भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिए, बहुत अच्छा जो है वो करें। तो मैं इसके साथ ये फ्यू वर्ड्स जो है हमारी पब्लिक के इंफॉर्मेशन के वास्ते टीवी में कह रहा हूँ।